हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए नाश्ते में हम लोग क्या लेके आए हैं, आज हम लोग चने खाएंगे जो कि मसालेदार चने होते हैं। तो चने बनेंगे, उसमें अब सबसे पहले ऑयल डालने के बाद में जीरा डाल दिया गया है, और जीरे के साथ में यहाँ पे आप टमाटर भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ प्याज लिया हुआ है और मिर्च लिया हुआ है, और उधर हमारी चाय बन के तैयार हो रही है, ये देखिएगा। और ये उबले हुए चने हमारे आ गए हैं, ये उबले चने आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, ये चने हैं, और ये हमारा खाना जो सुबह का नाश्ता है, खाने की तरीके से हो जाता है। बढ़िया हैवी डाइट ली जा रही है, छुट्टियों में थोड़ा सा खाने का ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्याज डाल के थोड़ा सा भून दिया गया है, और अभी इन चनों को देखिएगा आप लोग किस तरीके से उसमें डाला जाएगा ऑयल में। और ये चाय हमारी बन के तैयार हो गई है। हाँ, दो ही लोग हैं तो चाय थोड़ा सा कम बनी हुई, क्योंकि जब तीन लोग होते हैं, चार लोग होते हैं, तब चाय की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। और हम चाय पीते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वाइफ जो है चाय थोड़ा सा कम पीती हैं, वो मॉर्निंग में कभी कभी पीती हैं, वरना उनको चाय बहुत कम पसंद है। ये देखते हैं आपको, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि चने आपको चाय के साथ में कैसे लगते हैं। अब यहाँ पे चने देख लीजिएगा, इसमें मिक्स किए जा रहे हैं। आप लोग कढ़ाई में भी बना सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई में भी बहुत अच्छे बनते हैं। कि लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें इसका स्वाद तो दोगुना हो जाता है। आप लोग बना के देखिएगा कि आप लोग को कैसा लगता है। हाँ, सुबह सुबह चने खाना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। कच्चे चने ज़्यादा खाने चाहिए, उबले हुए चने तो अपने स्वाद के लिए होते हैं, बाकी कच्चे चने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर स्वाद के अनुसार आप लोग नमक भी डाल सकते हैं, इसको सॉल्ट बोलते हैं। और होममेड मसाला इसको थोड़ा सा मिक्स किया जाएगा इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सीक्रेट मसाला है वो हम लोगों के द्वारा घर पर ही तैयार किया जाता है। ये दिखने में आपको लग रहा होगा मार्केट का, लेकिन ये तय कई मसालों को एक में मिक्स करके उसके बाद मिक्सी में पीस के तैयार किया हुआ मसाला है। अभी चने हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। हाँ, इसमें हम लोग ऊपर से प्याज और आप लोग धनिया भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए। इसे देखने में बहुत अच्छा लगेगा और चने खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। नींबू अगर थोड़ा सा डाल लेते हैं तो इसका स्वाद ही क्या कहने, मज़ा आ जाएगा। तो ये चने हमारे रेडी हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।